जिहड़ा साडा पंजाब है, पंजाब गुरुआं दे नां दे उत्ते वसदा है। पंजाब दा मुख्यमंत्री जिहड़ा मर्जी बन जाए, पंजाब च किहड़ी पार्टी दी सरकार आ जाए, कोई ये मैटर नहीं है। देश दा प्रधानमंत्री कौन बन जाए, देश दे प्रधानमंत्री दी कुर्सी दे उत्ते किहड़ी पार्टी काबज है, इस गल नाल कोई वाह वास्ता नहीं। पंजाब गुरुआं दे नां दे उत्ते वसदा है, इस गल नूं दिल दी पट्टी दे उत्ते लिखणा है। पर साढ़े देश दीआं सरकारां पंजाब दे नाल अज भी मतरेई मां वाला सलूक करदियां ने। अज भी इंडिया दे विच टोटली इंडिया की नागरिकता प्राप्त करने वाला कोई नागरिक जिहड़े मर्जी स्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदन जाए तो सतसंगत वो स्टेट कदे भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं कर दे, कहन लगे पहला तेनों साढ़े इस स्टेट का आधार कार्ड बनाना पौगा, साड़ी स्टेट की तेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए आ, तू होर स्टेट तू आके साड़ी स्टेट में प्रॉपर्टी नहीं लै सकता। पर पंजाब पंजाब के दरवाजे हुकूमत ने इं खोल दते, कोई बिहार बच्चों आ जाए, कोई दिल्ली तो आ जाए, कोई मेघालिया तो आ जाए, मणिपुर तो आ जाए, त्रिविंद्रम तो आ जाए, केरला तो आ जाए, जिहड़ा मर्जी खरीदना चाहे किसी ते कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि पंजाब तुहाडे कोलों खोना चाहुंदियां सरकारां। पंजाब नूं सरकारां ने खोण वास्ते पहला मुगलों ने जोर लाया कि पंजाबियों कोलों पंजाब खाली करवाइए, पर नमस्कार अपने उन्हां बजुर्गों नूं जिन्हां ने मुगलों के पैर नहीं लगन दिते, बहुत लंबा चिर मुगलों के नाल संघर्ष लड़िया। उस तो बाद में सत संगत अंग्रेजों ने पंजाब पंजाबियों को खाली करवाना चाहिया, तो साढ़े बजुर्गों नमस्कार कि उदों भी अपन मावं अपन भैन अपने बजुर्ग वो अंग्रेजों के सामने हिक डा के लड़े, पर उन्हें पंजाब नहीं छड़िया। तो हुण आर एस एस चाहती है कि पंजाबियों को पंजाब खाली करवाना, तो उन्होंने साढ़े हाथ एक सुनछना फड़ा दिता जिन्हों आईलैट्स कहते हैं कि आईलैट्स करो तो पंजाब वेला करो तो चले जाओ, इन्हों पी आर दे दौ, इन्हों डालर दे दौ, इन्हों पाउंड दे दौ, इन्हों जूरो दे दौ, इन्हों बाहरले मुल्कों की नागरिकता दे दौ। जे ये कुछ प्राप्त करके पंजाब छड़न ले तैयार ने तो यह सौदा महंगा नहीं है। वह कहिंदे पंजाब इन्हां कोलों खाली करवाओ, क्योंकि कुल दुनिया के लोगों को पता है अनाज पैदा करने वाली धरतियां पूरे दुनिया के चार या पांच रह जाणियां, उन्हां चार पंजां दे विचों एक धरती पंजाब दी है जिथे अनाज पैदा होना है। जदों तुसीं पंजाब खाली कर दिता, पंजाब दीआं जमीआं जाईआं, पंजाब दे जम्मे जाए, जदों पंजाब तो दूर चले गए तो उस मौके पंजाब उत्ते उन्हां लोकां दा कब्जा होना है जिहड़े लोग पहला मुगल पठान नहीं सी करवा सके, अंग्रेज नहीं सी करवा सके, मुहम्मद बिन तुंगलक नहीं करवा सकिया, पृथ्वीराज चौहान नहीं करवा सकिया, मुहम्मद बिन कासम नहीं करवा सकिया, अहमद शाह अब्दाली नहीं करवा सकिया, नादर शाह दुरानी नहीं करवा सकिया, औरंगजेब नहीं करवा सकिया। वो अज तुहानू बगाने मुल्कों की नागरिकता करवा रही है। अज असी पंजाब नूं छड्ड के जा रहे, तो नौजवानों नूं पुछिए भई यार क्यों जा रहे हो बाहर नूं। मैं सत संगत तुहाडे कोलों माफ़ी मंग के गल दसा, मैं तकरीबन तुसीं जिन्ने क देशों के नाम जानते होने हो, मैं अपने ढाडी जत्थे समेत लगभग हरेक मुल्क च गया, 35-40 मुल्कों में मैं गया, पर जिहड़ा पंजाब है इहदा कोई बदल नहीं है, पंजाब का कोई बदल नहीं हैगा। मैं दुनिया घूमी हुई है सत संगत, मुसीबतां नाल टकराउणा पंजाबियों का लहू है, मुसीबतों सामने सरेंडर कर जाना पंजाबी खून नहीं है। मुसीबतों सामने अज पंजाबी नौजवान सरेंडर करते ने, सगो फाइट नहीं करते, मुकाबला नहीं करते, तो कहते ने जी पंजाब का हाल माड़ा, फिर पंजाब का हाल भइया ने आके सुधारन, पंजाब का हाल सुधारन वास्ते कि बिहार के लोग आके सुधारणगे, कि पंजाब नो को होर स्टेटां वाले बंदे आके सुधारणगे। जे पंजाब तुहाडे लीडरां दीआं नलायकियां दे कारण कितें ली तो लथ गया, तो इस पंजाब नूं ली ते आउणा लैके आउणा यह भी साडा तुहाडा ही फर्ज बनता है। पंजाब नूं छड्डो ना। यह गुरु अमरदास साहब जी ने भी इहो गल आखी कि बसदे घरां नूं छड्ड के चले जाना यह कोई अकलमंदी नहीं है। अज साडे दुआबे दे उत्ते सतसंगत जदों किसी का मुंडा बाहरले मुल्क नूं जांदा तां लीडर बधाइयां देण आउंदे ने, लीडर नूं तां डुब के मर जाना चाहीदा ते भलिया जे तू सहूलतां इत्थे पैदा कीतियां हुंदियां ते एक देश का नौजवान ये देश नूं छड्ड के क्यों जांदा। वह बड़े बेशर्म बन के सगों बधाइयां देण आउंदे ने। यह नुकता गुरु अमरदास साहब जी ने बाखूबी समझाया कि अपने घर नूं जिंदरे मार जाने, अपनियां जमीनां बेच जाणियां, अपना घर बेच के होर थां ते जाके वस जाना, यह कोई अकलमंदी नहीं। वह कहन लगे सतगुरु महाराज
असी तुहाडे हुक्म सामने सिर झुकाउने आ, फिर कृपा करो असी तो मर रहे हैं, साडे पिंडां नूं कोई सहूलत नहीं, साडे पिंडां नूं सहूलतां तों वांझा किया जा रहा, जिवें अज पंजाब नूं सहूलतां तों वांझा किया जा रहा। पंजाब की धरती कई कहिंदे ने जी पंजाब की हवा खराब हो गई, पंजाब का पानी खराब हो गया, पंजाब की मिट्टी खराब हो गई, पंजाब की धरती खराब हो गई, ये पंजाब बंजर होएगा। कदे भी नहीं होएगा पंजाब बंजर, एक गुरुआं दे नाते उस ते वसदा है। हजारां साल इत्थे दरिया वगे ने, जे तुहाडियां स्प्रेयां ने तुहाडियां खादां ने पंजाब की धरती कितें दूषित कर भी दित्ती ता बद तो बद पंज नहीं ते सत फुट मिट्टी खराब हो जाएगी, जिहड़ी चार पंजां सालां दे विच पंजाब रिकवरी कर जाएगा अपने आप। पंजाब डुबेगा नहीं, पंजाब मरेगा नहीं, क्योंकि पंजाब गुरुआं दे नां दे उत्ते वसदा है। इहनूं डुबण वास्ते, इहनूं मारन वास्ते बड़े बड़े जालम लोकां ने अड्डी चोटी दे जोर ला लै, पंजाब उदों नहीं डुबिया ते पंजाब अगां भी नहीं डुबना। मैं अपने रंगले पंजाब की सुख शांति की अरदास करदा होया अपनी गल नूं अगे वधाउण लगा।